आज के वक्त में लड़के की कोई मामूली सरकारी नौकरी लग जाए तो शादी के वक्त माँ बाप जमकर मोल भाव करते हैं, लेकिन गया के मानपुर में ऐसा नहीं है। इस गांव में एक घर की बेटी दूसरे घर की बहू बन जाती है। IITians का गांव कहे जाने वाले मानपुर में शादियाँ बिना दहेज के होती है। मानपुर में कपड़ों का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर होता है, इसलिए इसे बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। पटना समुदाय की अधिक संख्या वाले इस गांव के अधिकतर परिवारों में न तो दहेज लेने की प्रथा है न देने की। लिंग भेद की कुरीति को आईना दिखाती ये परंपरा कब से शुरू हुई ये किसी को नहीं पता। इस गांव से हर साल 10 से 12 बच्चों का सिलेक्शन IIT में होता है। पटना समाज के 70 वर्षीय जागेश्वर प्रसाद बताते हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, दहेज जैसी बात अपने यहाँ न देखी न सुनी, ये सोचना भी गुनाह है। बकौल जागेश्वर प्रसाद, बाहर में अगर बेटी की शादी तय करते हैं तो दहेज की डिमांड होती है, इसीलिए यहीं की बेटी को बहू स्वीकार करते हैं। जागेश्वर प्रसाद बड़े गौरव के साथ बताते हैं कि उनकी भी शादी 50 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन उस वक्त भी दान और दहेज जैसी कोई बात नहीं थी, यही परंपरा आज भी कायम है। वहीं मानपुर के बंसीलाल पटवा कहते हैं कि पटवा समाज में कितना भी भरा पूरा परिवार हो, यहाँ तिलक चढ़ाने की प्रथा ही नहीं है, फिर दहेज की क्या बात। युवराज प्रसाद पटवा कहते हैं कि गांव वालों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गांव को गोद लेने की अपील की है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री दहेज प्रथा का विरोध करने को थे और हमारा गांव इसका बड़ा उदाहरण है। हम लोग दिखावा नहीं करते बल्कि सैद्धांतिक रूप से इसका विरोध करते हैं। वार्ड पार्षद प्रमीला देवी पटवा और समाज सेवी नेता प्रकाश राम पटवा बताते हैं कि यहाँ शादियाँ सादगी से होती है, खान पान पर विशेष खर्च नहीं किया जाता है, दान दहेज तो नहीं ही है। लड़का कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों न हो, वो कुछ नहीं मांगेगा। गया शहर से सटे मानपुर में है पटवा टोली। कोई साल ऐसा नहीं जब यहाँ के 10 से 12 बच्चे IIT के लिए चयनित नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, टेक्नोक्रेट्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सब इसे जानते हैं। यहाँ के बारे में एक व्यवस्था बनी हुई है। समाज के लोग बैठते हैं, रिश्ता तय होता है और शादी संपन्न। यही बेटियों के साथ भी हम बेटी दे रहे हैं दहेज नहीं। दहेज नहीं लेने के लिए किसी को जागरूक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल दशकों से समाज की यही परंपरा है। यह कब तय कर दिया गया बूढ़े बुजुर्गों को भी पता नहीं। वो इतना जानते हैं कि पुरखों ने दहेज को ना कहा था, उन्होंने भी कहा और आज की पीढ़ी भी ना कह रही है। पटना से रिपोर्ट, प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।